Do you know right now what's the biggest risk in the market? कोई बोल सकता है मुझे क्या सबसे ज्यादा रिस्क है अभी? The biggest risk is not taking any risk. ये बस मार्केट का बात नहीं है, ये लाइफ का भी फंडा है. देखो, हर टाइम आप लायन नहीं होते हो कि दो स्टेप पीछे लेके बहुत ज्यादा लंबा छलांग लगाएंगे. ये बस सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन इन रियल लाइफ इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क. तो मार्केट में अभी यही चल रहा है, डे बाय डे वॉल्यूम नीचे आ रहा है, डे बाय डे एक ही जगह में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, बस यही कारण के लिए. एंड साथ ही साथ आज तो ऊपर से और ज्यादा डंप आया है, नॉट ओनली इन बिटकॉइन, एंटायर मार्केट में पूरा का पूरा चारों तरफ डंप चल रहा है. साथ ही साथ जो इंडिया का जो नया एक क्रिप्टो करेंसी बिल का जो अपडेट हर एक महीने के एंड में, कुछ एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते ना कोई इंस्टीट्यूट आगे आ रहा है, ना कोई नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स होता है, जो लोग रिटेल ट्रेडर्स होता है लाइक यू लाइक मी, हम लोगों के जैसे ट्रेडर्स भी उतना उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे. बहुत सारे रीजन है मार्केट अभी आगे ना जाने के लिए, लेकिन अपना औकात का थोड़ा सा भी परसेंटेज अभी अगर इस पे इन्वेस्ट करके रख दिए तो मार्केट आने वाले टाइम पे बहुत आगे जाएगा. एंड उस टाइम प्रॉफिट का बात छोड़ दो, उस टाइम जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना कि चलो मैं अपना हिस्सा कुछ शायद मैं बाहर खर्च कर सकता था, वो अभी मार्केट पे डाल के मुझे अभी इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा. लेकिन इस मोमेंट पे, ये सपोर्टिव मोमेंट पे, मार्केट जब एक सपोर्ट लेवल पे एकदम टिके हुए है, ये सपोर्ट लेवल में जो लोग बेच के निकल रहा है या फिर जो लोग ये वेट कर रहा है कि मार्केट और नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएंगे फिर हम मार्केट में इन्वॉल्व होंगे, देखो इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क. साइड से अगर बिटकॉइन का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है उसका भी बात करें तो स्टिल नाउ इट्स ऑन रेड जोन. आज 24 में है, कल भी 24 में था, तो इसके मतलब मार्केट अभी भी रेड जोन पे है, तो अभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का डोर ओपन है. बट एक ही जो सजेशन मैं सबको देना चाहूंगा कि इस मूवमेंट पे अगर मार्केट में कोई एंट्री ले रहे हो या फिर कोई कॉइन चूज कर रहे हो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, डू नॉट गो विथ ऑल दोस चीप कॉइन्स. मतलब जिस कॉइन का प्राइस $1 से नीचे या फिर 0.0000 कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो सब कॉइन नीचे है आप डालोगे तो ऊपर जाएगा प्रॉफिट आएगा, वो सब छोड़ दीजिए. लेकिन मार्केट में जो टॉप कॉइन है, मतलब जिस कॉइन का रियल लाइफ वैल्यू है, रियल एप्लीकेशन से, इस मूवमेंट पे जब बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 बिलो 10 इस मूवमेंट पे है ना, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट में फोकस करना स्टार्ट करो. अगर वो सारे के सारे कॉइन्स ऐसा मूवमेंट पे है, ये लोग नीचे जाएगा तो 10-20-30% तक जाएगा, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो 100x ऊपर जाएगा. यही बात है कि मार्केट में इस टाइम इन्वॉल्व ना होना सबसे बड़ा रिस्क है. जो सब लेजिट कॉइन्स मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन इथेरियम तो है ही, किसी भी मूवमेंट पे आप उसको इन्वेस्ट कीजिए. बिटकॉइन एंड इथेरियम पे इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के जैसा, चाहे वो ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, आप उसको आंख बंद करके रिगार्डलेस ऑफ मार्केट क्या जोन पे है, बिटकॉइन एंड इथेरियम पे आप एक म्यूचुअल फंड के जैसा एक रिलीजियसली हर एक मंथ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन ये दोनों छोड़ के आप मैटिक ले लो, आप फैंटम ले लो, आप एवलेंस ले लो, आप सोलाना ले लो, एल्गोरंथ ले लो, ऐसे बोलना स्टार्ट करो तो बहुत सारे कॉइन्स के बारे में मैं बोल सकता हूँ. लेकिन मैं आज कुछ 2-3 ऐसे कॉइन्स के बारे में बोलूंगा जिस कॉइन्स पे मैं एकदम अपना नजर टिका के रखा हूँ, उस पे मैं रेगुलरली 2-3% करके इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ. मुझे उस सारे के सारे कॉइन्स के ऊपर इतना भरोसा है कि वो सारे के सारे कॉइन्स आज से नीचे जाएगा तो 10-20 मैक्स टू मैक्स 30 जाएगा, लेकिन मार्केट जब बम्स बैक करेगा हर एक कॉइन इतना गंदे तरीके से सबको रिटर्न देगा, आइडिया भी नहीं कर सकते हो. तो हे गाइस, दिस इज देव, वेलकम बैक टू बिटबॉल. सो आज मैं मार्केट में एक जान डालने आया हूँ, ना जान लेने. सो वीडियो का स्टार्टिंग में लेट्स स्टार्ट विद बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन के छोड़ के हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते. सो बिटकॉइन लास्ट, ऐसे बोल सकते हो, लास्ट 2 हफ्ते से सेम जोन पे ही अप एंड डाउन साइडवेज मूवमेंट एज लॉन्ग एज बिटकॉइन बिलो दिस अपवर्ड ट्रेंड लाइन. मतलब ऐसे बोल सकते हो 44,000-45,000 पे एक अच्छा
अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं ढूंढ पा रहा है तब तक मार्केट ऐसे ही पोजीशन पे रहेगा जो डायमंड बॉटम के बाद मैं कल के वीडियो में किया था। लेट्स गिव यू अनदर प्रोस्पेक्टिव्स डायमंड बॉटम का क्या है। ये सेम पोजीशन में जो लास्ट डाउनफॉल में बेयर मार्केट में डायमंड पैटर्न हुआ था उसके बाद कुछ 10% डाउन के बाद उस डायमंड बॉटम से 10% डाउन पे आने के बाद ही हम लोगों का जो अपवर्ड लाइन स्टार्ट हुआ था वो रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है इन कमिंग डेज। तो अभी अगर बिटकॉइन का सेम पोजीशन मैं कंसीडर करूं तो वही सेम कुछ ऐसा पिक्चर सामने आ सकता है इन कमिंग डेज, जैसे कि डायमंड बॉटम टूट के अभी बिटकॉइन का जो सपोर्ट है वो हल्का सा नीचे है, ऐसे बोल सकते हैं कि फिर से 39,500 पे एक सपोर्ट मिलने के बाद ही बिटकॉइन अपना रैली ऊपर की तरफ स्टार्ट कर सकता है। एंड नाउ लेट्स लुक इन टू अदर चार्ट जो बिटकॉइन को ब्लाइंडली फॉलो करेगा। सो अदर देन बिटकॉइन जो नंबर वन प्रोजेक्ट एंड जहां पे मैं हेविली इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इवन मेरा एक बाय पोजीशन ओपन भी करके रखा है सोल यूएसडीटी चार्ट में, सोल का भी जो पोजीशन में ऐसे लगता है कि सोल एटलीस्ट $120 तक वापस आने के बाद इधर टच करने के बाद ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा एंड 120 से लेके $195 तक का जो रास्ता है बहुत इजीली तय कर पाएगा। तो मेरा एक बाइंग पोजीशन बाइनेंस पे ऑलरेडी $120 पे मैंने ओपन करके रखा है। अगर सोल के साथ बीटीसी का चार्ट देखा जाए तो सोल बीटीसी में ऐसे देखा जाए तो इधर जो सोल का बीटीसी के साथ जो रिश्ता है, मतलब जो प्राइस है, प्राइस ट्रेंड है, वो साइडवेज मूवमेंट है। इट्स बीन लास्ट सितंबर से स्टार्ट होके आज के डेट तक, मतलब लास्ट 6 महीने का सोल का जो मूवमेंट है वो साइडवेज चल रहा है। तो इट्स हाई टाइम सोल ऊपर जाएगा एंड सोल एक ऐसा प्रोजेक्ट है, कहां पे लेके जाएगा मुझे भी आइडिया नहीं है लेकिन बहुत ऊपर जाएगा। नाउ सेकंड प्रोजेक्ट जिसपे मैं ब्लाइंडली बिलीव करता हूँ विच इज एल्गो। एल्गो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसे मानना है, मतलब बिलियनियर्स इन्वेस्टर्स, हाँ ऐसे नहीं है कि छुट्टे, उन लोगों को ऐसा मानना है कि एल्गोरंट आने वाले टाइम पे ब्लॉकचेन का गूगल बनने वाला है। कुछ ही दिन पहले मार्केट पे आया है एंड आते ही अपना बहुत कुछ छा गया है एंड साथ ही साथ अगर एल्गो का चार्ट देखो तो ऐसा लगता है सोल का एकदम डीटो कॉपी है, साइडवेज मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट। लेकिन एल्गो का जो सबसे प्लस पॉइंट है एल साल्वाडोर का जो बिटकॉइन वॉलेट है, मतलब एल साल्वाडोर का जितना भी रेसिडेंट है सबका सेम एक वॉलेट है जो कि एल्गो इकोसिस्टम के ऊपर डेवलप्ड है। तो ये आने वाले टाइम पे बहुत ऊपर जाएगा, अभी बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है, मतलब एल्गो का जो प्राइस होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा चीप में मिल रहा है, एकदम बहुत बढ़िया बाइंग पोजिशन में है $1.20 पे, हेविली बाई कर सकते हो आने वाले टाइम पे, बस नो क्वेश्चन बहुत ऊपर जाएगा। नाउ थर्ड वन इन माय लिस्ट, ऐसे बोल सकते हो आज का इन माय लिस्ट, विच इज एक्सी इन्फिनिटी। प्ले टू अर्न, एनएफटी मार्केटप्लेस, मेटावर्स, कुछ भी उठा लो, ये मार्केट का जो किंग है विच इज एक्सी इन्फिनिटी। नॉट बिकॉज ऑफ एक्सी का प्राइस $71, क्योंकि इसका जो टॉप प्राइस था विच वॉज $164, अभी बोल सकते हो 50% से भी ज्यादा इसका प्राइस नीचे आ चुके हैं, बट एक्सी का जो यूज केस है, हर एक दिन मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स एक्सी इन्फिनिटी को यूज कर रहा है एंड एक्सी में अगर आप अपना कुछ भी करना चाहते हो देन डेफिनेटली यू हैव टू परचेज, यू हैव टू यूज योर एक्सी इन्फिनिटीज नेटिव टोकन ओनली विच इज AXS। तो ये भी कॉइन अगर ये वाला पॉइंट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इधर पे अगर नहीं स्टक हुआ देन ज्यादा से ज्यादा $49 or $50 तक आएगा, दिस विल बी अ ह्यूज बाइंग पोजिशन। मेरा ऑलरेडी बाइंग पोजिशन ओपन करके रखा है एक्सी इन्फिनिटी में $50 के आसपास। तो ये भी आने वाले टाइम पे बहुत ऊपर तक जाएगा, जैसे ऑलरेडी ये बहुत ऊपर तक चला गया है और भी ऊपर जाएगा। एंड साथ ही साथ बाइनेंस पे एक्सी इन्फिनिटी का जो एपीआई है विच इज मोर देन 100% इन अ ईयर, एपीआई का मतलब ये है एनुअल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विच इज अबव मोर देन 100%, मतलब अगर आप 10,000 का एक्सी इन्फिनिटी लेते हो एक साल बाद आप उसको होल्ड करके 20,000 बन जाएगा। वैसे भी डिपेंड करता है उस टाइम एक्सी इन्फिनिटी का क्या प्राइस है, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स की तरफ से एक्सी इन्फिनिटी आपका 1 से 2 हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर इफ यू आर होल्डिंग एक्सी इन्फिनिटी इन Binance platform। मतलब आप अगर छोटे मोटे भी 10% 20% price भी अगर इधर उधर से लगा सकते हो, you will never been into any kind of loss ये सारे के सारे coins के साथ। So that's it from my side guys, I hope you have liked this video। बस आप लोगों को motivate करना था इस video के चलते and थोड़ा बहुत आप लोगों के अगर हद में हो तो भाई 10-20 रुपया डाल के रखो, छिड़क के रखो, कल वो 100-200 बन जाएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, टिल देन टेक केयर, देव साइनिंग ऑफ।